के बड़े लोग को कॉल आता हम भाई चार थे तो उसी टाइम ही पड़ा था मेहनत तो मेरी मम्मी और मैं करते थे पिताजी थोड़े करते थे तो सिलना पड़ा तो दसवीं छोड़ दिया मैंने तो मैं सीधा पुणे आ गया औरंगाबाद से 100 रुपये रोजगार से यहाँ पे काम किया मैंने बहुत सारा रोजगार का किसी को खाली मेरे मामा यहाँ पर रहते थे काम किया 2-4 साल बाद मामा बोले कि यहाँ पे एक लड़की है शादी करवा दो वहाँ पे तेरा खाना पीना भी हो जाएगा सब बराबर हो जाएगा मुझे भी ठीक लगा फिर बाद में तो क्या मैं शादी दीदी हो गया फिर करना तो तोड़ना अभी पैसा नहीं कुछ भी नहीं है तो मैंने थोड़ा पैसे ब्याज से दिए तो उसका काम करके चुका देना चाहिए तो वही किया मैंने और 3 साल तक मैंने उसका यहाँ पे काम किया लेता रहा पैसा दुकान सारी चीज़ें पूरी होती संसार की चीज़ें लेना था तो दिया पैसा क्या बोलते शादी के बाद पैसा लेना तो मैं पैसा नहीं समझता था तो कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं लिया मैंने दहेज भी नहीं लिया पैसा भी नहीं लिया सामने सब है ये उसके बाद ये लड़की हो गई तो उसके बाद पैसा हो रहा है पैसे मांगे पहले जमा कर दो फिर बाद अकाउंट चला रहे अकाउंट खाता में गया खाता बनाओ और माइनस करते रहो उनसे मैंने पैसे ले लिए हाँ मैंने 10वीं छोड़ दिया ना गणित आता ही है तो मैंने उनसे लेना चालू किसी 500-400-1000 कोई देता रहा तो मैं उससे माइनस करता रहा तो फिर बाद में उनका चुकाना फिर बाद में जितना पैसा आता है धीरे धीरे बैंक में जैसे वैसे हमारे पीछे कितना कितना लोगों ने कमा हमको खाने को भी नहीं मिलता था उधारी देकर इस साल 2 महीने में उधारी अकाउंट चला है ना मेरे फिर बाद में लोग ज्यादा करके पैसे उसमें हो जाते है ना कटौती हो जाती है ज़्यादा लेना लेन देन वो उसके कुछ सामान रहता नहीं रहता और महीने का महीना अकाउंट पूरा लोग निकल जाते हैं उसमें बहुत डूब गया मैं अच्छा बहुत डूब गया बच्चों को पढ़ाना बड़ा करना और जो नौकरी लगे उसी से हमारा ठीक है हमने अपने जो दिमाग से जो काम नीचे किया है ना तो सब कुछ चीज़ अपनी बन जाती है भैया और जो भी कठिनाई और मेहनत में आ जाती ना उसे हटना नहीं चाहिए करना ही चाहिए